ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो आज बात हम कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की, जहां कभी रूस का तो कभी यूक्रेन का पाला भारी पड़ता दिखाई देता है। लेकिन अभी दो दिन पहले जो हुआ वो रूस के लिए सबसे बड़ा झटका कहा जा रहा है। लेकिन आखिर ये कहा क्यों जा रहा है, ऐसा हुआ क्या? तो आपको बता दें कि यूक्रेन की तरफ से रूस पर ऐसा भीषण हमला बोला गया कि रूस की धरती कांप उठी। हालात ये बन गए कि लोगों को लगा कि भूकंप आ गया। और जब ये बात हम आपसे कह रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा रहा, क्योंकि हमला यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के जरिए किया गया और टारगेट बनाया गया रूस के एक हथियार डिपो को। जानकारी के मुताबिक रूस के त्वेर इलाके में यह हमला किया गया था, जहां पर कई सारी मिसाइलें, बम और भारी मात्रा में गोला बारूद इकट्ठा किया गया था। खबर के मुताबिक इस हमले से टोरोपेट्स शहर में रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रमुख हथियार डिपो को टारगेट किया गया, और जैसे ही इस पर हमला किया गया यहां पर बेहद भारी धमाका हुआ। यह धमाका इतना ज्यादा तेज था कि दूर दूर तक इसकी आवाज न केवल सुनाई दी, बल्कि आसमान में आग का ऐसा विशालकाय गोला उठा कि कई किलोमीटर दूर से भी यह साफ नजर आया। सबसे बड़ी बात यह कि जहां पर हमला किया गया वहां पर कई सारी एडवांस मिसाइलें रखी हुई थी। ये बैलिस्टिक मिसाइलें थी जिनका इस्तेमाल लंबी दूरी पर अटैक करने के लिए किया जाता है। मतलब बिल्कुल साफ है कि यहां पर जब धमाका हुआ तो सारे के सारे हथियार वहीं पर बर्बाद हो गए। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि यहां पर तोचका यू टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के साथ ही कई गाइडेड बम रखे हुए थे। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि एक मिनी परमाणु विस्फोट जैसा मंजर यहां पर हमले के बाद दिखाई दिया। खबर यह भी बता रही है कि इस हमले के बाद आसपास के 6 किलोमीटर के दायरे में आग फैल गई और भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके कारण पास के एक कस्बे को खाली कराना पड़ा। यूक्रेन की तरफ से इस हमले के बाद जो दावा किया गया वो तो और भी हैरान करता है। यूक्रेन के अधिकारी ने सोशल मीडिया पर यह दावा कर दिया कि जहां पर हमला किया गया वहां पर रूस की ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को दी गई मिसाइलें भी रखी गई थी। यूक्रेन की इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने रात भर में यूक्रेन के 54 ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन इस इलाके का जिक्र नहीं था। हालांकि हमले में कितना नुकसान हुआ इसकी कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि रूस कुछ बोल ही नहीं रहा है। बता दें कि जहां पर हमला किया गया उसके बारे में रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी आरआईए ने साल 2018 में जानकारी दी थी कि रूस ने अपने मिसाइलों, बमों और गोला बारूद को रखने के लिए एक बड़ा हथियार डिपो बनाया है और इसे 2015 में 326 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। दूसरी तरफ युद्ध में रूस के कुछ इलाकों पर यूक्रेन की बढ़त के बाद अब ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि हमले लगातार जारी रखे जाएं, और तो और वो इस कोशिश में भी लगे हैं कि अब लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाए ताकि रूस पर लगातार दबाव बना रहे और उनकी बढ़त जारी रहे। ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि वो रूस में अब और अंदर घुसकर हमला करेंगे, और यही कारण है कि अमेरिका पर भी दबाव बनाने की कोशिश यूक्रेन करता नजर आ रहा है। दरअसल ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने खार्की ऊपर एयर स्ट्राइक की थी बीते दिनों और इससे 6 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई थी, दर्जनों लोग इसमें घायल हुए थे, 90 से ज्यादा। और अगर इन हमलों को रोकना है तो यूक्रेन को रूस के एयरफील्ड्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना जरूरी है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से अभी तक यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी तक हमला करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी गई है। इससे पहले आपको याद ही होगा कि 2.5 साल से जारी युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार हुआ था बीते दिनों में जब यूक्रेन की सेना ने रूस में घुसकर कुर्स्क इलाके को कब्जा लिया था और इसके बाद रूस आग बबूला हो गया था। लेकिन यूक्रेन रुकने के लिए तैयार ही नहीं है और लगातार अंदर दाखिल होने के साथ ही अपने हमलों में और भी तेजी ला चुका है। अलग अलग खबरें भी इसे लेकर आ रही हैं, जिसमें बताया गया कि बीते 20 दिनों में यूक्रेन के हमले में रूस के 31 नागरिकों की जान जा चुकी है। खास बात यह भी है कि यूक्रेन की तरफ से हमलों के लिए खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन ड्रैगन ब्रीथ के नाम से जाने जा रहे हैं, जो आग उगलने का काम करते हैं।
और इसी ड्रोन के जरिए लगातार रूस पर यूक्रेन अटैक कर रहा है। लेकिन अब रूस की तरफ से भी इसी तरह के ड्रोन को तैयार करने का काम चल पड़ा है ताकि यूक्रेन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। ये ड्रोन आसमान में उड़ते हुए 2400 डिग्री सेल्सियस का गर्म पिघला हुआ लोहा गिराने का काम करते हैं, जिससे कि बड़े बड़े टैंक भी खत्म किए जा सकते हैं। रूस और तैयारी भी कर रहा है, 15 लाख सैनिक तैयार कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और हैरान करने वाली और तहलका मचा देने वाली खबर सामने आई, और वो खबर है एक खास व्हीकल को लेकर। इस व्हीकल को बनाने का काम एलन मस्क की कंपनी टेस्ला करती है, और इसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि मस्क ने अभी तक इसे खुले मार्केट में भले ही पूरी तरह से नहीं उतारा, लेकिन उसके पहले यूक्रेन के खिलाफ इसे मैदान में उतारा गया और इसकी 2 यूनिट पहुंचा दी गई। किसके द्वारा, बताते हैं आपको। लेकिन इस व्हीकल का नाम पहले जान लीजिए, साइबर ट्रक इसे कहा जाता है। इसकी खूबी क्या है यह आपको हम आगे बताने वाले, लेकिन उससे पहले खबर कहां से आई, किसने ये दावा कर दिया, किसने इन ट्रकों को दिया या जो दावा कर रहा है वो बताते हैं। जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक चेचनिया के लीडर और वॉर लॉर्ड रमजान कादिरोव ने खुलासा किया। कादिरोव की तरफ से कहा गया कि आम लोगों के पास अभी तक ये गाड़ी भले ही ढंग से नहीं पहुंची, लेकिन जंग के मैदान में उनके द्वारा ही उतार दी गई। कादिरोव ने इसके पहले यह दावा किया था कि एलन मस्क ने साइबर ट्रक कादिरोव को गिफ्ट किया है, लेकिन मस्क ने इस बात का खंडन कर दिया था और यह भी कहा था कि ऐसा ना तो कुछ हुआ है और ना ही वो कभी कादिरोव से मिले हैं। यह दावा कुछ वक्त तक चर्चा में चला, खूब चर्चा हुई और उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन कादिरोव ने हाल में 2 बयान 2 दिनों में दिए। एक तो यह दावा किया कि मस्क की तरफ से साइबर ट्रक को कथित तौर पर रिमोटली डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन इससे कादिरोव परेशान नहीं है, अपना काम वो करते रहेंगे। गाड़ियां बिना रिमोट के भी सही तरीके से काम करती हैं और इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया भी जा रहा है, कादिरोव ने यह दावा किया। दूसरी तरफ कादिरोव ने इसके अगले ही दिन यानी कि आज ये कह दिया कि पश्चिमी देशों के हथियार उनके अपने ही साथियों यानी कि यूक्रेन पर सही और सटीकता से काम करते हैं। कादिरोव ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के खिलाफ 2 साइबर ट्रकों को M2 ब्राउनिंग मशीन गन से लैस करके जंग में भेजा है, जिसे हरे रंग में रंगा गया है। इसकी फोटोज भी डाली गई। कादिरोव भले ही यह दावा करते हैं, लेकिन इसके पहले भी कादिरोव की तरफ से जो दावे किए गए उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया नहीं गया। खैर, इससे इतर अगर बात इस साइबर ट्रक की करें तो इसकी खूबियां आपको हम बता देते हैं। साइबर ट्रक एलन मस्क की कंपनी टेस्ला बनाती है और यह बैटरी इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक कहा जाता है, जिसे 2019 में कॉन्सेप्ट कार के तौर पर मार्केट में लाया गया था। और इसकी अगर क्षमता की बात करें तो चार्ज करने पर 400 से 545 किलोमीटर के आसपास ये चलता है, और अगर एक्सटेंडर लगा दें तो इसकी रेंज और बढ़ जाती है, 710 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है एक बार के चार्ज में। और ये ट्रक अधिकतम इसकी स्पीड 180 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ज़रूरी बात यह भी है कि यह किसी भी तरह की ज़मीन पर चल सकता है और इसकी गति यानी स्पीड कम नहीं होती। इधर एक अपडेट और आ रहा है जिसमें व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि आने वाली 26 सितंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अलग अलग बैठकें करेंगे। इसमें कहा गया है कि नेता रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति पर चर्चा करेंगे, जिसमें यूक्रेन की रणनीतिक योजना और रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में अमेरिकी समर्थन भी शामिल होगा।